खबर दें नौशेर फिरोज़ से मंजूर मलिक के मुताबिक जॉइंट एक्शन कमेटी सिंध की कॉल पर सिविल अस्पताल नौशारो फिरोज़ में दो घंटे टोकन हड़ताल के बाद डॉक्टर अब्दुल्फताह राजपर की आपको बताएं कि क्यादत में एहतियाती मुजाहरा हुआ इस मौके पर प्रोफेशनल पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन सिंध ने रहन इजाज ममनाई लारा मूसा खान और डॉक्टर सिकंदर अली सोमरू डॉक्टर मोहम्मद इमरान क्लर्क एसोसीिएशन के रहनमा अब्दुल राउफ सोमरू और दीगर ने कहा कि महकमे से इतने हेल्थ मुलाजमी के मसाइल की मुकम्मल लापरवाही बरती हुई है और महकमे को मकमल तौर पर करप्शन में जकड़ा हुआ है श्राकेश आपको बताएं कि محکمہ पीपीएचआई और دیگر एनजीओस के हवाले से क्या हुआ है कि जिसकी वजह से काफी عرصے से तरकयात रुकी हुई है हर ट्रांसफर और पोस्टिंग पर पैसे लिए जाते हैं जबकि अस्पतालों में दवाइयों की कमी फील्ड रिलीफ की तनख्वाहों से काटे हुए पैसे दूसरे महकमों को वापस हो गए हैं लेकिन हमारे नहीं हेल्थ रिस्क अलाउंस को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है जो हमसे वादा किया था इसकी कभी बंद नहीं होगा मैनेजमेंट इसके अलावा कैडर के नाम पर ब्लैक और धोखा दिया जा रहा है जिसकी वजह से तंग हैं और जंग आमद तंग आमद या जंग आमद पर मजबूर कर दिया जाएगा